RKSD कैथल का RKSD PG कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में हुनर खोजने और उसे तराशने का काम करता आ रहा है और कॉलेज की यही खासियत इसे बाकी कॉलेजों से अलग बनाती है और खास भी। इसी कड़ी में आज RKSD PG कॉलेज में टैलेंट सर्च कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभिनय के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रिंसिपल द्वारा कॉम्पिटिशन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सर, आज टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर हर साल जो होगा? जी, RKSD कॉलेज एक जिम्मेवार और श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है और ये आज का जो टैलेंट सर्च है कॉलेज के 70वें वर्ष का टैलेंट सर्च है। कॉलेज जहाँ अपने स्टूडेंट्स में जो छुपी हुई प्रतिभा है, हर तरह की प्रतिभा को उभारने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं यहाँ से जो पहले पढ़ कर गए थे उनके साथ संपर्क करके और हमारे ही विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना, उसके लिए भी हम कोशिश में रहते हैं। और आज का जो हमारा टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स का कार्यक्रम था, मैं समझता हूँ पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमारी ही अपनी स्टूडेंट ममता सोदा, जिन्होंने सन 2000 में यहाँ से BA की शिक्षा प्राप्त की थी और 3 साल कॉलेज की स्टूडेंट रही और कॉलेज के स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने हैंडबॉल में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था, वही ममता सोदा फिर आगे चलकर माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचती हैं और फिर पद्मश्री से नवाजी जाती हैं। वही ममता सोदा आज हमारे उन स्टूडेंट्स को, शायद जब इन्होंने यहाँ से पास आउट किया था तब इस पीढ़ी ने जन्म लिया होगा, उनको प्रोत्साहित करने यहाँ पर आई हैं। ये हमारा सतत प्रयास रहता है, लगातार हम अपने जो एलुमनाई हैं उनको कॉलेज के साथ जोड़ते हैं और जो कुछ वो गेन कर रहे हैं जीवन में, हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट वही बातें, वही चीज़ें गेन करे और उनके सहयोग के भी हम हमेशा स्कोप रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और मैं धन्यवादी हूँ ममता जी का कि वो आज यहाँ आए हैं और भविष्य में भी जब जब अपने कॉलेज को दोबारा इनका मन करेगा, इनका हमेशा स्वागत रहेगा और मैं चाहूँगा कि ये हमारे स्टूडेंट्स को इसी तरह प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। वहीं इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज की पूर्व छात्रा और पंचकुला में बतौर ACP अपनी सेवाएं दे रही पर्वतारोही पद्मश्री अवार्डी ममता सोदा पहुंची, जिन्होंने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं के साथ अपने जीवन में आई कठिनाइयों और सफलता की बातें साझा की। साथ ही ममता सोदा ने बताया कि कॉलेज टाइम में वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लिया करती थी, साथ ही उन्होंने नेशनल लेवल पर भी कॉलेज का नाम रोशन किया हुआ है, इसलिए छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी भाग लेना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता रहे। जी देखिए, मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट रही, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और ये जो कॉलेज में जो हमें प्लेटफॉर्म मिला, या फिर ये कहें कि कॉलेज ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारा बेस अगर कहें तो यहीं से बना है, हमारी एजुकेशन, हमारे स्पोर्ट्स में या फिर अदर टैलेंट्स में इस कॉलेज ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। और पहले से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव सिस्टम अभी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कोर्सेज नए आए हैं, बच्चों की जनसंख्या जो है वो भी बढ़ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो गई है इस कॉलेज में जो पहले शायद नहीं थी, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और कॉलेज इसी तरह से दिन रात तो उन्नति करते रहें तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ एक मैसेज रहेगा बतौर DSP कि शिक्षा के साथ साथ जो है खेल जरूरी है, संगीत जरूरी है और कल्चरल एक्टिविटी जरूरी है ताकि हमारी संस्कृति को आगे ले जाए? जी, जितने हमारे एजुकेशन के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो वाकई में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज़ कि वो हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं या वो फिर आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो सिंगिंग है या फिर स्पीच है, मोनो एक्टिंग है, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो विभिन्न प्रतिभाएँ हैं और हो सकता है कि कोई बच्चा इसी में जाकर और बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल कर ले। जिस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स के आधार पर ही हम लोग जो है माउंटेनिंग में गए और उसके बाद फिर माउंटेनिंग में इतने अच्छे मुकाम हासिल किए, तो वो बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी
कि अपनी शक्ति को पहचानिए, उसको सही यूटिलाइज़ कीजिए, देश की उन्नति और तरक्की में उसको पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो आपकी पावर है, वो सही जगह पर यूटिलाइज होनी चाहिए, तभी देश उन्नति करेगा। उन छात्राओं को मैम क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, जो छात्राएं हैं जो आज के इस जमाने में कि कोई भी छात्रा जो है लड़के से कम नहीं है, कि अपने टारगेट को जो आपने जैसे कि अपने स्पीच में कहा एक टारगेट फिक्स करें और उसकी अकॉर्डिंग जो है अपना टारगेट निर्धारित करें। देखिए, जो हमारी छात्राएं हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि बॉयज़ और गर्ल्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम सभी एक, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो वहाँ भी शब्द जो है वो पुरुष या स्त्री नहीं दिया गया है, वो सभी हम लोगों की बात की गई है, तो सभी लोगों में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आए हैं, तो वहाँ पर हमारा संविधान हमें इक्वलिटी देता है। इक्वलिटी जो हमारी है उसको आप समझें, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये जो समाज ने एक भेदभाव वाली बात डाल दी है कि महिलाएँ अलग और पुरुष अलग, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। तो अच्छा और सही वे यही है कि आप सभी को इक्वल एजुकेशन दें, इक्वल उनका जो है न्यूरिश करें, उनको अच्छी परवरिश दें, और तो लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो मुझे नहीं लगती है कोई फर्क है। कैथल आरकेएसडी कॉलेज में आप भी विद्यार्थी रहे हैं जी, संस्था को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के अचीवमेंट संस्था ने प्राप्त की है और भविष्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज ही जो मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल सर हैं वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको कुछ भी सजेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी आप जो है बच्चों के लिए इसी तरह से कार्य करते हैं। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल एस के गोयल ने बताया कि युवाओं को कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिसको जीवित रखने के लिए छात्र छात्राओं को ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना अनिवार्य है, इससे हमारी संस्कृति नई पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक रहेगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।